अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फ़ैमिली क्या हाल है मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे आबाद रखे तो जी आज जो है दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ सुबह को क्यों नहीं किया तो ये आगे जाके आपको बताती हूँ तो जी यहाँ पे दोपहर के खाने में बना रही हूँ करेले और करेले का जो छिलका है मैंने रिमूव नहीं किया आज जो करेले के छिलके समेत जो है ना इसको मैं पका रही हूँ तो ऐसे मुझे करेले बहुत पसंद हैं तो जी कैसे बनाए मैंने पहले तेल में जो है मैंने करेले ऐसे डाले और उनको फ्राई करके निकाल दिया है ठीक है तो ऐसे ही सारे मुझे जो है तेल में फ्राई कर लेने हैं उसके बाद जी इसकी बनाऊंगी मैं कहीं टमाटर मसाला और वो जो है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं अगर आप इसमें आलू डालना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इस, इसी तरह जैसे करेले को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है ना तो अगर आप आलू डालना चाहें तो आलू को भी आप डाल के उसको निकाल दें उसके बाद जो है इसके टमाटर मसाला बना के उसमें डाल दीजिए करेले सारे साले मस, तो इजी है रेसिपी और मज़े के इतने बनते हैं इतने टेस्टी बनते हैं और अगर आप चाहें कि ये कड़वे ना बने तो आप क्या कीजिएगा पहले जब आप काटें करेले को काट के उसमें जो है नमक और सिरका डाल के उसको आधे घंटे के लिए अगर आधे घंटे के लिए नहीं टाइम आपके पास नहीं है तो पंद्रह मिनट के लिए उसको रख दें तो ऐसे क्या होगा कि करेले की कड़वाहट काफ़ी कम हो जाएगी पर मुझे ना करेले में कड़वाहट पसंद है क्योंकि क्योंकि नेचुरली आपको पता है कि करेला कड़वा होता है कुदरती उसमें कड़वाहट होती है जब उसकी कड़वाहट ही खत्म की जाए तो करेला करेला नहीं लगता तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि करेले में थोड़ी बहुत कड़वाहट होनी चाहिए तो यहाँ पे जो है करेले जो हैं फ्राई कर लिए टमाटर भी बन गया है मसाला अभी इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़े बहुत इसमें आज मैं प्याज डाल रही हूँ लास्ट में वो डालूँगी तो जी मसाले में मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला है नमक हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी तो बस मसाले इसमें यही डाल जाते हैं बेसिक से मसाले अगर आप इसमें सब्ज़ी मसाला डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं वो ऐशान में भी आता है नेशनल में भी सब्जी मसाला उस, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है अगर आप चाहें आ, आप इसमें टेस्ट या फ्लेवर इसको देना चाहते हैं ज़्यादा तो आप उसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पे ये मैंने थोड़े बहुत इसमें प्याज भी ऐड कर लिए हैं इससे जो है बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में और प्याज को गलाना नहीं है ये थोड़े बहुत इसमें कच्चापन रहना चाहिए तो इसीलिए मैंने इसमें ये लास्ट में डाले जब मैंने करेले डाले तो अभी जो है करेले इसमें जो है ये डाल के मिक्स करके बस स्टीम पे दो तीन मिनट इसको छोड़ देंगे उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएंगे तो जी ये तकरीबन हमारे करेले अब हैं रेडी तो जी मैंने आपसे कहा कि आगे जाके आपको बताती हूँ कि मैंने सुबह से मिला स्टार्ट नहीं किया मैंने दोपहर से स्टार्ट किया तो इसकी वजह ये है कि अभी जो है फिर से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है और मैं डेली जो है जॉब पे जाऊंगी सुबह के टाइम और दोपहर को वापस आऊंगी और दोपहर को वापस आके व्लॉग स्टार्ट करूंगी और ऐसे ही जो है मेरी लाइफ बहुत ही अभी मुश्किल होने वाली है क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना फिर शायद मैं व्लॉगिंग के लिए टाइम ना निकाल पाऊँ तो जी आज मैं ये चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और चूल्हे के जो बर्नर होते हैं इनको मैं साफ़ करूँगी इनकी ऐसी क्लीनिंग करूँगी जित चमकते रह जाएंगे आप देखिएगा कितने चमकते हैं और बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएंगे और आपको भी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप जो है बर्नर जो है साफ़ करना बताए हमें तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि इसके बर्नर कैसे साफ़ करते हैं और इतने जो है ना क्लीन हो जाते हैं ना ये इतने चमकते हैं आप देखिएगा इस तरीके से और ये तरीका मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ और किस तरीके से साफ करती हूँ इसका जो है मैं उठा रही हूँ बर्नर पर ये उठ नहीं रहा ना बिल्कुल भी इसमें जम गया है और जो है इसको जो है इससे पलटे की मदद से उठा रही हूँ उठ नहीं रहा अभी जो है इसको नाइफ़ की मदद से भी उठाऊँगी और दूसरी तरफ से पलटे से तो फिर जाके ये उठेगा बहुत ही मुश्किल से जो है इसको मैंने उठाया है ये जल्दी निकलता नहीं है लूज़ नहीं है मतलब इसमें टाइट हो जाता है फिट हो जाता है देखिए ना नीचे इसमें जो है इतना खराब भी नहीं है इतनी इसमें गंदगी भी नहीं है क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं ये उठा के मैंने साफ़ किया था ज़्यादा दिन नहीं हुए थे फिर भी ये इसमें जो नीचे आ जाता है इसमें जम जाता है फिर वो ये उठता नहीं है तो ये भी देखिए ये नहीं उठता तो इसको भी ऐसी पलटे से और नाइफ से जो है इसको शुरु से जो है इसको उठा लूँगी तो देखिए ये कितना ख़राब हो गया है तो बहुत ही ख़राब हो गया है चूल्हा क्योंकि दूध गिरा था शायद यहाँ पे वो जो है उस उस वजह से वो जल गया है तो उसी टाइम जो साफ ना करो ना तो ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे आप देखिए ये कितने ख़राब है अभी तो देखिएगा ये कितने चमकते हैं तो जी एक बड़ा सा ये मैंने बर्तन लिया है और उसमें मैंने पानी ऐड किया है अभी जो है इसमें ये सारे में बर्नर डाल रही हूँ तो बनर डाल के उसके बाद ही इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ तो ये काम डेली का नहीं है ये काम है मतलब एक महीने के बाद दो महीने के बाद मतलब मेरा तो जब ख्याल होता है कि ये अभी ख़राब हो गए हैं तो फिर मैं साफ़ करती हूँ तो इसमें ये मैं सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ टाटनी तो ये बहुत ही सस्ता तरीका आपको बता रही हूँ बहुत ही ईजी सस्ता ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होगी उसके बाद ये सरफ़ सरफ़ कोई सी भी आप इसमें डाल सकते हैं अगर आप सर्फ ना डालें तो आप डिश वॉश जो होता है लिक्विड वाला वो आप इसमें डाल दीजिएगा उसके बाद ही मैंने इसमें ये सोडा ऐड किए सोडा तो अभी जो है इसमें बस एक चीज़ बाकी डालनी है वो है हार्पिक तो अभी ये इसमें हार्पिक पे ऐड कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं बस डाल दी हैं अभी जो है इनको मिक्स करके बस रख दूंगी इसको जो है ना आग पे रखना है मतलब चूल्हा या चूल्हा जला के रखना है तो अभी जो बर्नर जो है सारे मेरे जो है इसमें डाले हुए हैं तो ये कहाँ से है तो ये दूसरा मेरा किचन है मेरे घर में दो किचन है इसको अभी मैंने फ़िलहाल स्टोर कर दिया है इसमें बहुत सो जो है सामान वगैरह रख दिया है और यहाँ मैं खाना वगैरह नहीं बनाती इसलिए यहाँ इसका यही हाल हो गया है तो अभी इसमें मैं दूसरा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये डिप हो जाए तो ये दूसरे किचन में इसलिए ले आई क्योंकि उस जो है चूल्हे के सारे बर्नर इसमें हैं तो ये दूसरे किचन में ल, जो है इसको ले आई हूँ तो अभी जो है पानी इसमें ऐड करूँगी उसके बाद ही इसको छोड़ दूँगी ताकि ये गर्म हो जाए उबल जाए और जो जैसे ही उबलेगा तो वैसे ही इसकी सारी जो चिकनाई वग़ैरह गंदगी वगैरह खुद ही जो है ना पानी में जो है ना निकल जाएगी तो बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती इसमें खुद ही सारी जो है ना इसकी गंदगी चिकनाई वगैरह निकल जाती है तो उसी पानी से इस मुख में थोड़ा पानी ले आई हूँ और इसमें जो है आ, मतलब इसी चूल्हे पर जो है ना डाल के इसको छोड़ दूँगी तो सिर्फ मैंने पाँच मिनट इसको छूट दिया था उससे जो है ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई थी ये ऊपर जो जमी हुई गंदगी है काला जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरी गल गई थी और ईज़िली इस्पन से ये निकल रही हैं ये स्टील का स्पंज है इससे मैं साफ़ कर रही हूँ तो ईज़िली ये निकल रही हैं मतलब जोर लगाना काफ़ी ज़ोर लगाना नहीं पड़ रहा अगर मैं ऐसे साफ़ करती हूँ ना तो काफ़ी ज़ोर लगा के साफ़ करती हूँ फिर जाके साफ़ होता है तो ये केमिकल वाला पानी जो मैंने इसमें लगाया था उससे ये गल गया था मतलब तो ये आराम से जो है निकल रहा है गंदगी वगैरह ये सारी सॉफ़्ट हो गई थी उस पानी की वजह जैसे तो तेल की शीटें वगैरह भी गिरती है ना ऊपर टाइल्स पे आके सामने गिरती है तो वो सामने ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी सामने वाली टाइल्स ख़राब हो जाती है बाकी जो साइड्स में है वो टाइल्स जो है जल्दी ख़राब नहीं होती वो मतलब उसको मैं देर देर साफ़ करती हूँ जो सामने है ना बस वो जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है सालन या कुछ भी पकता है और तेल की शीटें उड़ती हैं वो आके जो है आ, उस पर लग जाती है ना सामने वाली टाइल्स पे तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो उसको साफ़ करती जा रही हूँ साइडों से जो भी यहाँ पे कर रही हूँ मतलब आज मैंने सिर्फ चूल्हे की डीप क्लीनिंग की है कल जो है पूरे किचन की करूँगी वो व्लॉग भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी तो बस जी मैं आजकल ऐसे ही काम कर रही हूँ एक एक करके थोड़ा थोड़ा मतलब करके कर रही हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ ना तो उसमें जो है ज़्यादा मतलब टाइम लगता है तो इसीलिए एक एक काम करती हूँ जैसे कि आज मैंने चूल्हा का साफ किया कल फिर जो है किचन की पूरी क्लीनिंग करूंगी वो मतलब एक एक काम करके जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि शूटिंग करना भी जो है ना बहुत ही मुश्किल है मतलब कैमरा को वहाँ रखना वहाँ रखना सेट करना वहाँ से रिकॉर्डिंग करना वहाँ से करना तो ऐसे मतलब मतलब जो काम हमारा हो जाता है दस बीस मिनट में उसको जो है ना चालीस मिनट लग जाते हैं मतलब डबल टाइम लगता है ना ऐसे रिकॉर्डिंग के साथ तो इसीलिए एक एक काम करके जो है कर रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी भी मुझ पर घर की क्योंकि मासी आती थी हेल्प के लिए तो वो भी बीमार है तो नहीं आ रही थी वो कुछ दिन पहले भी बीमार हुई थी फिर जो है ना ठीक हो गई थी आ, र, आ गई थी मतलब एक दो दिन आई फिर से जो है ना वो फिर से चली गई मतलब फिर से कह के गई है मैं बीमार हूँ फिर से नहीं आ रही तो बस ये सारा काम जो है ना मुझ पर है तो पूरा काम होता है घर का काम बच्चों को संभालना तो बस काम तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा इंसान करता रहता है तो बस हो जाता है तो यहाँ पर बातों बातों में मेरा चूल्हा भी जो है ना साफ़ हो गया पूरा मैंने क्लीन कर दिया है अभी बर्नर जो है वो पानी में उबल रहे होंगे तो उसका भी मेल जो है ना पूरी गल गई होगी तो उसको जो है साफ़ करती हूँ फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ देखिएगा उसका मेल कैसे जो है पूरा निकलता है तो यहाँ पे इसको निकाल के मैं ले आई हूँ ये वाला एक वाला तो इसको मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ थोड़ा बहुत इस पर जो है ना जो भी लगी हुई है तो ये निकल जाए तो वैसे ही इस बर्नर को मैं जल्दी निकाल के ले आई थी तो इस पर जो है ना मुझे थोड़ा जोर लगा के इसको साफ़ करना पड़ा बाकी जो बर्नर थे उसको थोड़ा टाइम मैंने छोड़ दिया था तो वो काफ़ी हद तक खुद ही साफ हो गए थे मतलब उसको मुझे साफ़ करना नहीं पड़ा वो खुद ही साफ हो गए थे काफ़ी सारे तो देखिएगा इसको मैं जब रगड़ूंगी ना तो आप देखिएगा इसका कितना मेल निकल रहा है और कैसे ये साफ़ होता जाता है तो इस पानी में जो है ना ये बहुत ही इसका मेल जो भी जमा हुआ होता है ना इसमें वो पूरा सॉफ़्ट हो जाता है फिर इसको जैसे रगड़ते हैं ना फिर ये साफ़ होने लगता है तो आप देख सकते हैं ये कैसे जो है ना इसका जो ये काला मेल है ये कैसे निकल रहा है और इसकी जो है स्टील की साफ साफ नज़र आ रही है तो ये कैसे साफ़ होता जा रहा है ये देखो कितना साफ़ हो रहा है ये पूरी मेल इसकी निकल रही है तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं बिल्कुल न्यू जैसा जो है ना चूल्हा हो जाएगा इससे साफ़ करने से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे न्यू हो चूल्हा तो ऐसे ये सारे बर्नर दूसरे जितने मेरे पास ना सारे जो है एक एक के जो है इनको मैं साफ करती जाऊंगी तो जी चूल्हा मेरा हो गया है साफ बिल्कुल न्यू तो जी आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ये देखिए ये गिलास स्टैंड है इसको भी मैं पानी में डाल रही हूँ और इसका रिज़ल्ट जो है ना अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी तो ठीक है अभी मैं चलती हूँ लाफे ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो इसी मैंने ऐड कर दिया